हमें भारत देश को फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इनके सपनों का भारत बनाना होगा। यारो, अपना स्वतंत्रता दिवस है आया, आओ झूमो नाचो खुशियां मनाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। नमस्कार, मैं स्नेहल पाटिल, कक्षा 7वीं ब से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इस स्वतंत्रता दिवस को भारत के इतिहास का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह हर भारतीय नागरिक के लिए अभिमान है और न जाने अनगिनत लोगों की आहुति के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए स्वतंत्र हुआ था। सर्वप्रथम मैं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं। उनका बस हमेशा से एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य रहा, वो इस देश की आजादी, और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ी, वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग से, जिस कारणवश उन्हें कई बार सजा के तौर पर जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बस इस देश को आजादी दिलाने के लिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और यूं हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो गए। मैं महान निडर भारतीय सैनिकों को भी सलामी देना चाहूंगी, जो दिन रात एक करके इस देश की सुरक्षा करते हैं। भारत के कई वीर सपूतों ने, जैसे मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी हमेशा से एक ही सपना था, वो इस देश की आज़ादी, और आखिरकार इन्होंने अपने सपने को पूरा करके ही दिखाया। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी दिला ही दी, लेकिन अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके दिखाए गए रास्तों पर चलें और इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएं। तकरीबन 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी और अत्याचार सहने के बाद भारत को आजादी मिली थी, जिसकी खुशी में पूरा देश जश्न मनाता है। आज हम जश्न मना रहे हैं।